गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, अपनी इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बनाने के लिए आज फिर से मैं आपके सामने एक नया वर्ड लेके आया हूं। एक नया नाउन, वर्ब, फ्रेजेस, ये सारे वर्ड्स एक साथ है। हम लोग देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा और इसकी जगह क्या होगी, इसके मायने क्या होंगे, इसके सेंटेंस मेकिंग कैसा होगा, ये सारी बातें दोस्तों हम लोग समझते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और इसकी एक एक बात को नोट करें, समझें कि इसकी बनावट कैसी हो रही है। और आप मेरे वीडियो में अगर नए हैं, मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के ढेरों टॉपिक मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो, या पहली बार सुना हो, या सुना हो तो कम सुना हो। तो दोस्तों चालू करते हैं। वो वर्ड है क्या? वो वर्ड है लर्च। लर्च, LURCH। लर्च का मतलब होता है स्टेगर, लड़खड़ाना, झटका। अ सडन जर्क, एक अचानक झटका। झटका, झटका मारना, ये एक नाउन भी है, वर्ब भी है। ये दोनों सेंस में यूज किया जाएगा, नाउन के सेंस में भी और वर्ब के सेंस में भी। आगे देखते हैं इसका इन द लर्च। अब फ्रेज के सेंस में इसका मीनिंग होगा मझधार में, इन डिफिकल्ट स्टेयर्स या इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मझधार में या तकलीफ में, बीच रास्ते में छोड़ना, बीच रास्ते में रख देना, उसको तकलीफों में डाल देना, उसको भी हम लोग कहेंगे इन द लर्च। ये फ्रेज के सेंस में आ रहा है। अब ये हम लोग सारे कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसकी सेंटेंस मेकिंग कैसे होगी। तो पहला सेंटेंस है, शी गेव मी अ वायलेंट लर्च इन माई लाइफ। शी गेव मी अ वायलेंट लर्च इन माई लाइफ। उसने मेरे जीवन में एक भयंकर झटका दिया, बहुत भयंकर झटका था दोस्तों, जिसे मैं आज बर्दाश्त कर रहा हूं। उसने मेरे जीवन में एक भयंकर झटका दिया। यहां पर जो लर्च आ रहा है वो नाउन के सेंस में आ रहा है। यस, गिव अ जर्क, गिव अ लर्च, यानी होता है झटका देना। यस, किसी की लाइफ को हिला के रख देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सडनली माई कार लर्ज्ड फॉरवर्ड। सडनली माई कार लर्ज्ड फॉरवर्ड, अचानक मेरी कार ने आगे की ओर झटका मारा। अचानक मेरी कार ने आगे की ओर झटका मारा। यस, उछल पड़ी। या यहां पर जो लर्च आ रहा है वो वर्ब के सेंस में आ रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यस, वर्ब के सेंस में आप उसे हर टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया इज लर्चिंग फ्रॉम वन बेड प्रॉब्लम टू अनादर। इंडिया इज लर्चिंग फ्रॉम वन बेड प्रॉब्लम टू अनादर। भारत एक बुरी समस्या से दूसरी बुरी समस्या की ओर लड़खड़ा रहा है, बढ़ रहा है, चल रहा है। इंडिया इज लर्चिंग फ्रॉम वन बेड प्रॉब्लम टू अनादर। बिल्कुल सही है, एक समस्या सुलझ नहीं पाती है, दूसरी समस्या हमारे सामने आके खड़े हो जाती है, तब हम लोग ये वाला सेंटेंस बनाएंगे कि माई लाइफ इज लर्चिंग फ्रॉम वन बेड प्रॉब्लम टू अनादर। यू आर लर्चिंग फ्रॉम वन बेड प्रॉब्लम टू अनादर, ये हम लोग कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसका बहुत ही कॉमन यूज है, I will never leave you in the lurch. I will never leave you in the lurch. मैं तुम्हें कभी मझधार में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी तकलीफों में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी मुश्किलों में नहीं डालूंगा। ये कह रहा है, मतलब मैं पूरा तुम्हारा साथ दूंगा, मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, मैं तुम्हें मझधार में नहीं छोड़ूंगा। यस, कभी नहीं छोड़ूंगा। यू प्रोमिस्ड मी टू हेल्प, यू प्रोमिस्ड मी टू हेल्प, but you left me in the lurch. You promised me to help, but you left me in the lurch. आपने मदद करने का वादा किया था, आपने मदद करने का वादा किया था, पर आपने मुझे मझधार में छोड़ दिया, पर आपने मुझे मझधार में छोड़ दिया। तो दोस्तों leave in the lurch यानी होता है मझधार में छोड़ना। तो मुझे उम्मीद है आज का जो टॉपिक था काफी मजेदार था, और स्पीकिंग करने में अधिकतर ऐसे वर्ड्स की हमें जरूरत पड़ जाती है। अब तक तो आप दूसरे वर्ड से काम चलाते आए हैं, तो आज क्यों ना एक नया वर्ड का इस्तेमाल करें। दोस्तों एक क्वेश्चन आप अधिकतर मुझसे करते रहते हैं कि हम जो भी फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो सामने वाले को समझ में नहीं आया तो वो क्या समझेगा। तो दोस्तों ये उसकी समस्या है, आपने एक नया वर्ड यूज किया है, उसको समझ में आए ना आए, लेकिन कम से कम उसके दिमाग में वाली बात तो होगी कि इन द लर्च क्या होता है। वो घर जाके या कुछ सर्च तो करेगा वो, कि लर्च के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने से उसका भी फायदा हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि मेरे शब्दों का इस्तेमाल करने से उसे समझ में आया कि ना आया। नो,
बट आप बिना प्रैक्टिस के यूज करने से बचें, बस इतना मैं आपसे कहूंगा, आप पहले प्रैक्टिस करें और यूज करें. यस, और इस तरह से न केवल आप अपनी अंग्रेजी सुधार रहे हैं, आप अपने अंग्रेजी को डेकोरेटिव या मॉडर्न बना रहे हैं, बल्कि सामने वाले की अंग्रेजी को भी बना रहे हैं. या बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं. तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहें और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, आप बेफिक्र करें. थैंक यू मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हर कोई इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों. थैंक यू वेरी मच. बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार के नई कोशिशों के साथ, नए शब्दों के साथ और आपके डाउट के साथ. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.